अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्स फैक्ट पीके में सलमान का आपके साथ है। आज मई की 6 तारीख है 2023 और मैं इस वक्त जो आपको स्ट्रीट व्यू दे रहा हूँ नॉर्थ कराची का है। 6 तारीख फरवरी को, सॉरी मई की है आज, और गर्मी ऐसी है बाहर कि जैसे लग रहा है कि हीट वेव। मैं इसको यूँ कहूँगा कि इस वक्त ये प्री हीट वेव है और जैसे ये आगे दिन बढ़ेंगे तो किस तरह की गर्मी होगी इसका अंदाज़ा हमें हो रहा है। तो हमें बाहर निकलने से पहले, अगर हम पैदल हैं या बाइक पे हैं या किसी भी सवारी पे हैं, भरपूर तरीके से पानी वगैरह पीकर अपने आप को हाइड्रेट करें, जूसेस और लिक्विड ज़्यादा लें, सर को ढांपें, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हीट वेव से बचाने के लिए हल्के कपड़े को इस्तेमाल करें और मोटा कपड़ा या कोई ऐसा हैवी कपड़ा ना पहने जिससे कि मज़ीद आपको परेशानी का सामना हो। बहुत शदीद गर्मी है इस वक्त और दोपहर के इस वक्त तकरीबन 11:50 हो रहे हैं। जैसे जैसे अभी ये दिन बढ़ेगा गर्मी भी बढ़ेगी फिर। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि अभी और आइंदा आने वाले दिनों में लिक्विड अज्जा का, लिक्विफाइड ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा करें, फ्रूट सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें ताकि हम इस तरह की परेशानी से बच सकें। काम तो सारे करने हैं, कोई काम ऐसा है नहीं कि छोड़ दिया जाए। ज़िंदगी है जब तक तो सब कुछ करना है और सारे अपने जिसकी जो जिम्मेदारियाँ उसको निभाना भी होता है। तो मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे पढ़ने वाले हैं, सब अपने मामूलात ज़िंदगी पे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला सब पे रहम करता है और मज़ीद हम सब पे रहम करे। गर्मी, सर्दी, बरसात, बहार, सारे ये हमारे अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम है। इसे अगर हम सही तरह से गुजारें कुदरती उसूलों के मुताबिक तो हमें किसी किस्म का परेशानी का कोई सामना नहीं हो। मगर हम जब कुदरती मामलात से मुखालिफ जाते हैं तो फिर परेशानियों का अंबार होता है। बस ये इतनी सी बात है, थोड़ी सी बातों को हम समझ लें कि कुदरत के एंटी कभी ना जाए और ज़िंदगी आसान बनाए। देख रहे हैं आप किस कदर रश है। कराची की पावर हाउस चौरंगी से मैं इसमें गुजर रहा हूँ। सामने जो रास्ता है ये यूपी मोड नागन की तरफ, फिर आगे है नौजहाबाद हैदरी की तरफ जा रहा है। इंतहाई तपिश है इस वक्त, गाड़ी में एसी चल रहा है तो थोड़ा सुकून है, वरना बाहर का हाल बहुत बुरा है।